हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो हाँ जी, आज हम आ गए हैं मैसूर जू। तो मैंने कहा आप लोग के साथ मैसूर जू शेयर किया जाए कि एक्चुअली मैसूर जू में है क्या क्या, वहाँ जाना कितना वर्थ है, और आप अगर वहाँ जाते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है और कितना टाइम लगने वाला है अप्रॉक्सीमेटली पूरा जू देखने में। तो पूरा व्लॉग डिटेल में ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ना, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाते हो तो फर्स्ट गो टू मैसूर जू, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है। जो आप व्हीकल देख रहे थे, इसके लिए क्यू लगती है, तो अगर आप जल्दी आ जाते हो तो आप आराम से इस व्हीकल पे घूम सकते हो। अगर आपके साथ एल्डर्स हैं, यू नो एल्डरली पीपल हैं, देन यू हैव टू गो विद दैट व्हीकल। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही घूमना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा जू है। यहाँ पे कम से कम आप मान के चलिए, अगर सुबह से स्टार्ट करते हो घूमना तो आपको आधा दिन पूरा लगना ही है। ये जू जो है डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में। बर्ड का अलग सेक्शन है। ये जो आप सेक्शन अभी देख रहे हो, ये है कार्निवोरस एनिमल्स का सेक्शन। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने पूरा जू जो था वो वॉक करके ही हमने पूरा जू देखा है। बट हाँ, अलग ही मज़ा रहता है। अगर आप वॉक कर सकते हो ना, तो आप अपनी ईज से, अपने हिसाब से आप पूरा जू घूम सकते हो। अगर आपको कोई एनिमल ज़्यादा देर तक देखना है तो आप देख सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप वॉक करके पूरा जू जो है वो कवर करना चाहते हो। अब हम आ गए थे ऐसे वाले सेक्शन में जहाँ पे ओरेंगोटॉन्स, मंकीज़, चिंपैंजींस, बबून्स और बहुत सारी वैरायटी के और मंकीज़ थे। तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल ही अलग था। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग सेक्शंस में इस जू को डिवाइड किया हुआ है, बीच बीच में बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी है जहाँ पे आप फोटोग्राफीज़ कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, प्लस बैठने की भी जगह है। तो आप ब्रेक ले लेके जो है ना, आराम से पूरा जू देख सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि आपको आधा दिन तो कम से कम लगेगा ही पूरा जू घूमने के लिए। और सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसे टाइम पे पहुंचे थे, मॉर्निंग हम अर्ली पहुंच गए थे, तो सारे हमें एनिमल्स जो थे ना वो काफी एक्टिव दिखे थे। काफी, ये देखिए, सबसे स्टार अट्रैक्शन इस जू का इस टाइम पे है चीता, क्योंकि मैंने अभी तक चीता किसी भी जू में नहीं देखा है इंडिया में। ऑफकोर्स इंडिया से एक्सटिंक्ट हो भी गया है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइव अगर आप जाते हो तो। चीता, यस ऑफकोर्स, चीता आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा जू है बच्चों के लिए, खासकर कि बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग होती है, क्योंकि अगर आप उन्हें ऐसी जगहों पे एक्सपोज करते हो ना, तो वो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो वो पूछते हैं। खासकर कि इशिता ने तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, रेप्टाइल्स। अभी रेप्टाइल्स का सेक्शन आपने अभी और देखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मतलब ऐसा जू ना कहीं और इंडिया में फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा कि सब चीज़ उन्होंने एक ही जगह पे रख दी है और एक ही जगह पे आप जाके देख सकते हो। तो इवन मुझे बैंगलोर जू से ज़्यादा अच्छा मैसूर जू अभी तक लगा है। इवन मुंबई का जू मैंने घूमा हुआ है, दिल्ली का जू मैंने घूमा हुआ है, बट यहाँ पे जितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स मैसूर जू में जितना आप देख सकते हो, उतना आपको कहीं और देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाला है।
जी, अब जो आप सेक्शन देख रहे हो वो है स्नेक्स का एंड रेप्टाइल्स का सेक्शन। तो ये जो आप स्नेक देख रहे हो, दिस इज एनाकोंडा विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हर चीज़ का सेक्शन अलग अलग है, तो आप आराम से ना थोड़ा ब्रेक दे दे के भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको मिलेगी कैंटीन विद इन द जू प्रमाइज, जहाँ पे आप आराम से अपनी मील्स खा सकते हो, वहाँ से आप ले सकते हो सारा वेज ऑप्शंस, इवन आपको गोलगप्पे से लेके जूसेस सब मिल जाएंगे। सोवेनियर्स कुछ खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे कैंटीन के पास ही मिल जाएंगे। लास्ट एनिमल जो हमने देखा था वो था जिराफ, क्योंकि जिराफ लास्ट में ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, हालांकि ये व्लॉग जो है बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश की है, बट हाँ आपको पूरा हाफ डे लगेगा ही आराम आराम से देखने के लिए। इसके बाद हम लोग निकल गए थे और पहुंच गए थे गुफा रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख। और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये, बहुत यहाँ का खाना रियली अमेजिंग था। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, बट हाँ एम्बियंस आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ गुफा रेस्टोरेंट का। गुफा रेस्टोरेंट के नाम से ही समझ गए होगे कि गुफा वाला थीम है, बहुत ही अलग सा ही था। तो मैंने कहा यार ये भी शेयर कर ही लेती हूँ इसी वाले ब्लॉग में। गुफा के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है पूरा, और यहाँ पे जो है ना, जो आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पे जो थीम है पूरी गुफा वाली ही है। ट्राइब्स बने हुए हैं, अलग अलग डिपिक्ट किया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो वेटर हैं वो भी जो है यू नो गुफा वाली ही यूनिफॉर्म पहन के ही आपको खाना खिलाते हैं। तो आप अलग अलग, पूरा एक ही रेस्टोरेंट है बट अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो प्राइवेसी का भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा खाना था, इतना थक गए थे कि खाना शूट करना मैं भूल गई, बट आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको जू की भी बुकिंग करनी है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।